Subscribe and press the bell icon for latest update. अलीगढ़ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मवेशियों के शव मिलने के बाद हुए विवाद में एक पुलिस इंस्पेक्टर को जमकर पीटा। इंस्पेक्टर लोगों से बचाने की जिद्दोजहद कर रहा था, तभी बजरंग दल के कार्यकर्ता लगातार उन्हें पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हवाई फायरिंग करके इंस्पेक्टर को छुड़ाया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन दबाव की वजह से छोड़ना पड़ा। दरअसल अलीगढ़ के खैर कोतवाली में मिले मवेशियों के शव को बजरंग दल अपने हवाले करने की मांग कर रहे थे, और जब पुलिस ने शव देने से इनकार किया तो कार्यकर्ता ने उनसे मारपीट शुरू कर दी। दरअसल बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम को सोफा नहर किनारे गौवंश के शव पड़े होने की सूचना दी। इसके बाद पीआरवी के सिपाही वहां पहुंच गए, शव को इकट्ठा करके एक कट्टे में रखकर ले जाने लगे। तभी बजरंग दल टप्पल के प्रखंड संयोजक पंकज पंडित, अभिषेक वर्मा, जितेंद्र उपाध्याय, नागेंद्र शर्मा, मंजीत चौधरी, सुदामा शर्मा, दिनेश आदि तमाम कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। वे सभी पुलिस वैन के आगे लेट गए और सिपाहियों से शवों को छीन लिया। तभी इंस्पेक्टर खैर दिनेश चंद दुबे मौके पर पहुंचे, मिले शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की बात कहने लगे। इसी दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने इस बात का विरोध किया। इसी बीच इंस्पेक्टर और कार्यकर्ता की भिड़ंत होने लगी। धक्का मुक्की की वजह से इंस्पेक्टर को नीचे गिर गए। इस पर इंस्पेक्टर के सिपाहियों को आवाज लगाती उनको किसी तरह छुड़ाया। इसी खींचातान में उनकी यूनिफॉर्म के बटन तक टूट गए। SPN न्यूज रूम की रिपोर्ट।